नमस्कार, मैं हूं नेहा वर्मा और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रेल विभाग ने किया छलावा, जमीन के बदले मुआवजा एवं नौकरी का दिया था भरोसा। के सारे बॉर्डर पर जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही, जवानों के लिए नहीं है कोई चिकित्सक। रजनांद गांव में खुल रही थी गोधन योजनाओं की पोल, हादसों में हो रही गायों की मौत। दुर्ग भिलाई के जिला अस्पताल में पुराने कुएं से मिला नरमुंड व धड़। कोविड-19 टेस्ट कैंप का हुआ आयोजन। दुकानदारों के साथ पुलिस ने करवाई जांच। पुलिस ने प्रतिबंधित गुटखा एवं गुड़ाखू का अवैध भंडारण करने वालों को दबोचा। चलिए अब आपको सभी खबरें बताते हैं विस्तार से। रेल विभाग ने किसानों के साथ छलावा किया है। किसानों को जमीन के बदले मुआवजा एवं नौकरी देने का भरोसा दिया गया था। किसानों ने जिला कलेक्टर गोरेला पेंड्रा मरवाही को ज्ञापन सौंपकर अपनी आवाज बुलंद की है। आपको बता दें कि सलका रोड से अनूपपुर रेलवे स्टेशन तक रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए छत्तीसगढ़ के गोरेला क्षेत्र के किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया था। इस बारे में किसानों का कहना है कि अधिग्रहण के बदले भूमि का मुआवजा एवं परिवार के एक सदस्य को रेलवे की नौकरी देने की बात भी कही गई थी, परंतु अब रेल प्रशासन अपने वादे से मुकर रही है। मुआवजा तो दे दिया गया है, परंतु परिवार के एक सदस्य को नौकरी नहीं देने की बात कह रही है। जिला कलेक्टर गोरेला पेंड्रा मरवाही को किसानों ने ज्ञापन दिया है। भैया क्या नाम है आपका? अशरफ अली मंसूरी। आपने कलेक्टर को ज्ञापन देने जा रहे हैं आप लोग जी? क्या मामला है, कैसा? हमारे रेलवे प्रशासन से हमसे वादा किया था एक आदमी को नौकरी मिलेगी गेवरा से सलका रोड से अनूपपुर के दोहरीकरण रेलवे मार्ग का, जिसमें केवल में मुआवजा मिली है और नौकरी का वहाँ से कागज आया, स्क्रीन हुई, बच्चों का मेडिकल हुआ और सर्विस सीट भरी गई सब हुआ। कुछ तत्पश्चात एक हफ्ते के पहले हम लोग को कैंसिल लेटर आया था। आज बच्चे हमारे बहुत टेंशन में है, नौकरी छोड़ छोड़ के आ गए। 8 महीने से लड़के हमारे घर पे बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं वो, और वो समझ लीजिए कुछ नीच बीच का हादसा हो जाए तो उसके जवाबदार रेल प्रशासन होगा। नहीं, क्या लिखा गया है लेटर जो रेलवे की तरफ से आया? नहीं, आप सन बता रहे 1913 उधर का जिनका उनका होगा। पहले हमको ये बताया नहीं गया था, पहले आपको जानकारी नहीं, बिल्कुल नहीं दी गई है। ये हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं ये। अच्छा, अगला कार्य आपका क्या रहेगा? अगला कार्य हमारी मान नहीं मानते, हम ट्रेन रोकने जाएगा। अच्छा जी, ट्रेन रोकेंगे आप? जी हाँ, समस्त किसान हम। अच्छा, क्या नाम है आपका? साहूलाल प्रजापति, शिक्षक। तो ये बताइए, आप लोग जो ड्यूटी पे लगे हैं छत्तीसगढ़ यूपी के बॉर्डर पे, तो यहाँ आपको क्या क्या व्यवस्था दिया गया है प्रशासन के द्वारा? प्रशासन की तरफ से व्यवस्था नहीं, पंचायत की तरफ से व्यवस्था है, 3-4 कुर्सियाँ हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो पंचायत शासन प्रशासन के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं किया गया? तो मान लीजिए जैसे आदमी लोग यूपी से आते हैं छत्तीसगढ़ के लिए, तो आप लोग उस कंडीशन में कैसे उनसे वो करते हैं? ओ, हमारे यहाँ एक आरक्षक हैं, उनको रोकते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं कि आपके पास पास है कि नहीं है। अगर पास है तो जाने देते हैं, अगर पास नहीं है तो उनको वापस कर देते हैं। तो यहाँ ना सैनिटाइजर की व्यवस्था है, ना मशीन किट की व्यवस्था है, किसी पर कोई व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे हालात में आप लोग कैसे निपटते हैं? सैनिटाइजर मास्क की व्यवस्था स्वयं से किया गया है, अपने अपने व्यवस्था किए हैं इसके शासन। तो यहाँ तो बताया गया कि नहीं, सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं की है, स्वयं की व्यवस्था से किए हैं, अपने 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 पैसे से खरीदे हम लोग। जी सर, आप लोग मास्क क्यों नहीं लगाए हैं? मास्क यहाँ दिन भर हम लगाएंगे, 24 घंटा थोड़ी लगाएंगे, भीड़ भाड़ होगा तब ना लगाएंगे, दिन भर लगाना भी तो है। सर आप लोगों का यहाँ ड्यूटी लगाया है? ड्यूटी लगा है तो हम क्या बिना भीड़ भाड़ के दिन भर लगाए रहेंगे? ये भी है क्या? जी ये नहीं, जो भीड़ रहेगा उस समय ना लगाएंगे, दिन भर हम 24 घंटा लगाएंगे। स्वास्थ्य के लिए खराब है कि नहीं है? नहीं ठीक है, अब रखे हुए हैं। लेकिन आप लोग हैं कौन? आप लोग हाँ बताइए, आप लोगों का परिचय बताइए पहले। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के केसारी बॉर्डर पर जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन के द्वारा केसारी बॉर्डर पर पुलिस बल व कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया गया, लेकिन वहां स्वास्थ्य विभाग से संबंधित एक भी कर्मचारी दिखने को नहीं मिल रहे हैं। साथ ही ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के द्वारा बताया गया कि ना ही यहाँ कोरोना जाँच की मशीन है और ना ही सैनिटाइजर की व्यवस्था है। दरअसल ये पूरा मामला बलरामपुर जिले के रघुनाथ नगर थाना के अंतर्गत केसारी बॉर्डर का है। कोरोना महामारी को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा केसारी बॉर्डर पर पुलिस बल व कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया गया है, लेकिन वहां स्वास्थ्य विभाग से संबंधित एक भी कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं पाए गए। जब मीडिया टीम के द्वारा इसके बारे में बलरामपुर जिले के SP कृष्णा साहू से बात की गई, तो उन्होंने तत्कालीन
जांच की बात कही है। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजनांदगांव में काफी गोधन योजनाएं चलाई जा रही हैं। वहीं कलेक्टर को गोधन संवर्धन की योजनाओं को प्रमुखता से पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके बावजूद गायों की हादसे में मौत का सिलसिला जिले में थमता ही नजर नहीं आ रहा। हाल ही की घटना में राजनांदगांव जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग में गायों की दर्दनाक मौत हुई है। जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के निर्मल ग्राम सुंदरा के पास यह हादसा रात के समय हुआ। बताया जा रहा है कि अज्ञात वाहन की चपेट में आने से चार गायों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। बताते चले कि यह हादसा आए दिन राष्ट्रीय राजमार्ग में दोहराया जाता है। वहीं इस घटना से लोगों में रोष का माहौल है। आपका नाम क्या है? ये जो पीछे जो मवेशी गिरे हुए हैं चार ठो, है ना, रात में हुई है। ये घटना कब हुई है? लगभग ये रात ही हुआ होगा मैडम। जब से सुबह आया ना तो यहाँ बड़े हुए ये एक्सीडेंट हो चुका था। ये यहीं के आसपास के मवेशी होंगे, गांव के ही होंगे और कई बाहर से मिला भी छोड़ने के लिए। आप प्रॉपर यही रहते हैं दुकान में? अब अगली खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से। छत्तीसगढ़ के दुर्ग स्थित जिला अस्पताल परिसर में बने पुराने कुएं से शुक्रवार को नर कंकाल बरामद हुआ। अभी तक नरमुंड व शरीर का ऊपरी हिस्सा मिला है। नर कंकाल को देखने के बाद आशंका जताई जा रही है कि हत्या के बाद शव को अधजली स्थिति में फेंका गया है। पुलिस के अनुसार नरमुंड व कंकाल करीब 6 माह पुराना है। फिलहाल उसे फोरेंसिक लैब को भेजा जा रहा है। यह एक बोरे में लिपटा हुआ था। नगर निगम दुर्ग और भिलाई ने इन दिनों पुराने पार्क और स्थलों की सफाई को लेकर अभियान चला रखा है। दुर्ग कोतवाली क्षेत्र स्थित जिला अस्पताल परिसर में बने कुएं में काफी गंदगी भरी देख शुक्रवार सुबह सफाई करने के लिए टीम पहुंची थी। कर्मचारियों ने कचरा बाहर निकाला तो उसके साथ एक नरमुंड भी बाहर आ गया। वहीं कुएं से एक टी शर्ट में हड्डियां लिपटी हुई मिली, जिसको देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि यह किसी 12 से 13 साल के बच्चे का कंकाल हो सकता है, जिसको मारने के बाद शव के टुकड़े भी किए गए हैं। आज सुबह सुबह दुर्ग कोतवाली थाने में ये सूचना प्राप्त हुई कि हॉस्पिटल के पास CMHO ऑफिस के सामने कुआं है, जहां पर नगर निगम के द्वारा कुएं की सफाई अभियान किया जा रहा है। उसी क्रम में सफाई अभियान करने के दौरान एक कंकाल मिला है, जिसमें पहले खोपड़ी मिली और अभी और भी शरीर के कुछ अवशेष मिले हैं जिसमें, तो उसमें अभी मर्ग एंट्री की गई है। अब उसमें मर्ग जांच की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। अभी इसे फॉरेंसिक जाँच में भेजा जाएगा, अभी ये प्रारंभिक जाँच पे है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है इसमें। देखिए अभी चूंकि हड्डी मिली है, इसलिए इसमें जब फॉरेंसिक जांच होगी तब उम्र का सही निर्धारण हो पाएगा कि कितने उम्र का था, लड़का था कि लड़की थी, ये सभी निर्धारण होने के पश्चात ही जांच आगे बढ़ पाएगी। तो अभी इसे जांच में भेजा जाएगा, उसके बाद जो भी जांच रिपोर्ट आती है उसके अनुरूप और उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। जैसा मैंने कहा, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, जब तक के फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आती है तब तक हम कुछ भी कहने में इसमें कहना हम ठीक नहीं रहे। जी, कुएं के अंदर से जी प्रोटीन कपड़े मिले हैं, उसको देख के कुछ अंदाजा ऐसा लगाया? कपड़े में मिली है जो अवशेष है वो भी कपड़े में था, कुछ बंधा भी हुआ था, तो वो सभी जाँच का विषय है, उसमें जाँच की जाएगी, उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए रायगढ़ जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार तहसीलों एवं विकास खंडों के माध्यम से कोरोना टेस्टिंग कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिससे संक्रमित व्यक्ति की पहचान कर उसका इलाज किया जा सके। जिसके अंतर्गत सारंगढ़ विकास खंड के कोसीर समरसता भवन में दोपहर 12 बजे COVID-19 टेस्ट कैंप का आयोजन किया गया। आज के टेस्ट कैंप में थाना प्रभारी एवं पुलिस स्टाफ, सेंट्रल बैंक मैनेजर एवं स्टाफ के साथ महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने भी अपनी जिम्मेवारी का परिचय देते हुए अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इस टेस्ट कैंप में भाग लेकर सैंपल जांच करवाया।
वहीं डॉक्टरों ने बताया कि आज कुल 77 लोगों का सैंपल कलेक्ट किया गया, जिसे जांच के लिए रायगढ़ मेडिकल कॉलेज भेजा जाएगा, जिसकी रिपोर्ट 72 घंटों के अंतराल में आएगी। अब अगली खबर में जियो खुलकर नशा मुक्ति अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के दुर्ग पुलिस के द्वारा बीती रात्रि पाटनकर कॉलोनी स्थित पोल साइज पारा में दबिश देकर 4 बोरी में भरे प्रतिबंधित जर्दा युक्त गुटखा एवं गुड़ाखू जब्त किए गए, जिसकी कीमत 26,640 रुपए बताई गई। आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। थाना प्रभारी दुर्ग कोतवाली राजेश बागड़े ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि पाटनकर कॉलोनी पोल साय पारा में एक मकान में प्रतिबंधित जर्दा युक्त गुटखा एवं गुड़ाखू की तस्करी कर भंडारण किए हुए हैं। इन बोरियों में पान पसंद 46 पैकेट, पान राज 35 पैकेट, राजश्री 46 पैकेट, जर्दा युक्त गुड़ाखू 12 पैकेट जब्त किए गए। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। देश व प्रदेश की सभी खबरें देखने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ समाचार एक्सप्रेस पर। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.